अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KooKingK.com। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते का सालन। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा कप कटा हुआ हरा धनिया, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर भुने हुए चनों का पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बेसन को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में डाल देंगे कीमा। अब हम इसके अंदर आधा अदरक और लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, आधा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा ही धनिया पाउडर डालेंगे, आधा कुटा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, चनों का पाउडर डालेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच प्याज का पेस्ट डालेंगे, 2 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फेंटा हुआ अंडा शामिल कर रही हूँ। इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अंडा शामिल कर दें तो इससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे राउंड बॉल्स तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो दरमियाने साइज़ के भी तैयार कर सकते हैं, मगर ये पकने के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में ईज़िली इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में तेल लेकर गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें बचा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें बचे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बचा हुआ गरम मसाला डालेंगे, साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके हम अपने कोफ्तों को ऐड कर देंगे। याद रहे, कोफ्ते डालने के बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो यहाँ मैंने तमाम कोफ्तों को ऐड कर दिया है। अब आंच को हल्की करके इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ 20 से 30 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो लीजिए, मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। आखिर में इसे आप हरे धनिया से गार्निश कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।